लड़की खड़ी स्कूल के कपड़ों में छोटी सी भाई, छोटी सी बच्ची दिखी, पैर पे पैर रख के बस भैया वो चलाते हुए भाग गई। अब इसको क्या हो रहा है? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई हो बढ़िया हो गए, तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को पता है संडे मेरे ब्लॉग आता है, और इस संडे भी तुम्हारा भाई कुछ मजेदार ब्लॉग लेकर आपके लिए। ये हॉन्टेड ब्लॉग होने वाला है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों ने पिछला वाला देखा होगा, जो मैंने भूली भटियारी में शूट करा था, वो पूरा नहीं हो पाया था। आज मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे लोग, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा जाएंगे हम, अभी टाइम तो 10 बज रहे हैं, और पेट्रोल डलवा के सीधा हम भूली भटियारी जाते हैं। फिर उसके बाद इस ब्लॉग को पूरा कंप्लीट करना है, मैं अंदर जाकर थोड़ा रह कर आना है, क्योंकि बहुत सुना है लोगों से कि वो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ रात में कोई जा ही नहीं सकता। बट तुम्हारा भाई जाएगा उसके अंदर, इस बार पक्का जाएगा। पिछली बार देख रहा ब्लॉग हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना सीन हो रहा था, डर लग रहा था। बट इस बार हमने बहुत हिम्मत बांधी और हम फाइनली प्लान बनाकर जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम वैशाली में, तो हम यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जहाँ पर ना सुसाइड कर लिया था एक लड़की ने, वो पूरी बिल्डिंग ब्लॉक थी, उसके अंदर जाने का सोच रहे थे, बट उसके अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पुलिस वाला सीन हो सकता था, इसलिए हम नहीं गए। अब जा रहे सीधा भूली भटियारी महल, ठीक है। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया भाई, कैसे हो भाई? ये भाई नहीं है, क्या नाम है भाई आपका? अक्षय भाई। अक्षय भाई, क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। ये समीर भाई वही है, गोविंदा। चलो भाई चलते हैं, ठीक। हाँ तो गाइज, आ चुके हैं हम एक ढाबे पर, चाय वाय पी रहे हैं। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ, आनंद विहार बॉर्डर पर कुछ बारूद लेके जा रहे थे हमारे भाई साथ में, तो पकड़ लिया हमको। तीन बंदे बैठे थे हम एक बाइक पर, एक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, वो भाई बॉर्डर पर पकड़ लिया पुलिस वालों ने, वहाँ जाके हमारी गाड़ी लगा दी साइड में, नहीं तो इसका पॉल्यूशन हो रखा गाड़ी का, तो नहीं तो भाई के पास लाइसेंस था। भाई सीधे सीधी बात ये हुई, उस पुलिस वाले ने इसका रेट पूछा बस। अब ये बात है मत कर यार, जो जेल में ना वो बात मैं बताऊँ भाई आपको। सीन ऐसा हुआ, हमें कम से कम वहाँ एक से डेढ़ घंटा लगा, बाइक नहीं छोड़ रहे थे वो हमारी। क्या सीन हुआ भाई, वो सीज कर रहे सीधा कि भाई तुम्हारे पास तो ना लाइसेंस है ना पॉल्यूशन है। हमने भाई बहुत कोशिश करी, मैंने कुछ ले देके कर लूँ, बोल रहे भाई क्या ले देके, सीधा 10,000 रुपये मांगी। 10,000 कहाँ से देते भाई, हमारी इतनी तो सैलरी है यार। दो चार जानने वाले मिल गए थे उधर साइड में, भाई बोल रहे कोई नहीं हम देखते बात करते हैं, तो बात करी, तो फिर मतलब बात करते करते बोला 1,000 रुपये दो और निकलूँ। हमारे पास तो 1,000 रुपये नहीं थे, 1,000 रुपये थे बट कैश नहीं थे, ठीक है। फिर 500 रुपये पड़े थे मेरे पास, हमने उन्हें कराए चेंज, बोले 200 रुपये दो बात खत्म। मतलब जो हमारे साथ खड़े थे वो बंदे बोले 200 रुपये दो उनको और छोड़ देंगे। फिर 200 रुपये में तो नहीं माने, बोला निकल ले यहाँ से ना बहुत मारूंगा भाई, ऐसे बोल रहे थे। कोई नहीं, फिर बोले चलो ठीक है जितने दो। हमने फिर 400 रुपये पकड़ाए और तब जाके हमारी गाड़ी छोड़ी, और तब हम अभी यहाँ भूली भटियारे का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो हमें अभी तक नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा हम लेके चल रहे, ठीक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, देखो कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, और एक छोटी सी दुकान है, ऐसे लोग चाय वाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो बस यही था थोड़ा सा, मतलब कमाना तो कुछ नहीं है और गवानी है जेब से, ठीक है। एक तो पेट्रोल तो अलग से लगता है, ऊपर से पुलिस वालों को, तो चलो गलती हमारी, हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, क्या करें, मजबूरी थी हमारी, करना पड़ा। आ गई भी चाय तुम्हारी? ओ भाई पार्ले जी, ले ले, इधर भाई चलान कट गया मेरा, और इधर पार्टी कर रहे हैं, देखो ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी में चलता है। ब्लॉग में ऐसा होता है कि जब हमारा कंटेंट पब्लिश होता है तो हमें अर्निंग आती है यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से अर्निंग आती है, लेकिन यहाँ से अर्निंग जा रही है, जा रही है, और बहुत गंदी जा रही है। इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा चल रहा है, कोई नहीं यार मजे करो, ठीक है। हमारा NDMC में जब सेंटर पड़ा था, तो सेंटर पड़ा था चाणक्यपुरी, कोविड टाइम पे हमारा वो था, कोविड टाइम आया ही था। अच्छा, तो हमारे पास तीन पेपर हुए थे, लेकिन वो तीन पेपर मैंने कैसे दिए मैं बता रहा हूँ। स्कूल का गेट खुलता नहीं था, लेकिन जैसे सेंटर पे पहुँचता था मेरे को टट्टी लग जाती थी भाई, छोटा नहीं बोलता, और टट्टी करने भी भाई मैं 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि गेट तो खुलते ही नहीं थे वो स्कूल। हाँ है, ब्लॉगिंग करेंगे ये। चलो कंटेंट राइटिंग सुना है, नहीं होती, उसमें लिखना पड़ता है पहले, ये जा रहे हो बात है ने, बस सुन लिया सुन लिया बात सुन लिया, अब नहीं बोला आऊंगा, चल महल में चल। गाइस तो फाइनली हमने एंट्री कर दी है भूली भटियारी महल के अंदर, और घुस गया इंजन में। हेलो भाई, अनहोनी फिर से दूसरी हो गई है, ये वही रास्ता है, उस रास्ते पर पहले आए थे ना, आज रास्ते से वापस चले गए थे, और रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। मगरमच्छ क्यों दिखाई दे रहा है? मगरमच्छ नहीं है ये भाई, बोल तो बोला तो भेड़िए, अरे बहुत चाल हो रहा है यहाँ पर, वो भेड़िए भाई आराम से देख रहे हैं, रास्ता खराब है पूरा, ये सब इच्छाधारी साहब है, अपनी इच्छा पूरा रास्ता खराब पानी भर रखा, अपनी इच्छा से चार पैर लगाए हम आए थे यहाँ तक, अरे चल गए।
अरे बूत की तू चलना लो भाई, सूरज भाई है साथ में तो डरना नहीं। चलो चलो सकते हैं, पांच बंदे हैं, थोड़ा लेट ही नंबर है। अरे लेकिन भूत से तो मिलवाओ, भूत से मिल लेना तो माँ की कसम भाई, हम यहाँ से वापस गए थे, माँ की कसम थोड़ा डर लग रहा था। अरे वे हाँ यार, यहाँ ये भी प्रॉब्लम है वे। क्या यहाँ स्नेचर हो रहा है? यही तो, इसी चक्कर में तुम वापस गए थे भाई। घुमाई दो जो आई भाई, देख लीजिए वो भूत का इतना डर नहीं है, लेकिन ये लोग जो होते हैं अच्छे वाले अच्छे लोग भाई बंद कर क्या करें भाई, तो आप चले आ रहे हैं तो भाई, हम यहाँ तक भी नहीं आ पाए थे पिछली बार, इतना बहुत ही डेंजरस एरिया है। क्या करें बंदे भाई, यहाँ से आ गए भाई यार, बहुत हॉन्टेड एरिया है। आ गया कोई क्या, पीछे देखियो वही तो, इसीलिए तो भाई हम डर रहे थे। हाँ उस रात को भाई तुम्हारी कसम, तुम ब्लॉग देखने वाला मेरा, ठीक है? पहले वाला जाए ना तुम्हारे साथ, तुम दोनों आगे जाओ इधर। अरे टोपा बना मत कर उनका, वो देख वहाँ। अरे चल, अरे दिन में आएंगे पहले पता कर लेंगे। चूतड़ चूतड़ सूरज के नहीं फटे, तुम मैन जो फोन खोदोगे और किसते भरोगे, हैं जो ये ध्यान रखना। गाइस अब हम आ चुके हैं भूली भटियारी महल के आसपास, और यहाँ हमने लगा दी अपनी जगह स्कूटी और ये बाइक, और हमें बाइक इसलिए खड़ी करके जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ डॉग्स वगैरह बहुत भौंक रहे हैं, हमें नहीं जा पाएंगे ऐसे, तो हम चुपचाप निकल के आए थे वहाँ से। मैं हूँ यहाँ पर अकेला, ठीक है? मेरे को इतना डर नहीं लगता किसी चीज़ से, तो आई डोंट केयर। और यहाँ आसपास कोई नहीं है मेरे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा। अब हमें महल के अंदर जाना चाहिए क्योंकि कोई साथ में जाने के लिए रेडी नहीं है, तो तुम्हारा भाई अकेले भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओए लग जाएगा पत्थर, क्या हुआ? कहाँ पर लड़की खड़ी है छोटी सी? क्या लड़की खड़ी है? स्कूल के कपड़ों में छोटी सी, सही बताओ? कसम से रुको रुको, एक सुनो सुनो, कसम कोई तो आ रहा है, एक मिनट एक सुनो, नहीं मत जाओ, एक सेकंड रुको, सुनो 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 मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, पता पता पूछ रही हो, बहुत गलत आ गया भाई, कॉल आ रहा है आपके घर से, फोन भी आ रहा है यार, गलत आ गया चल भाई। छोटी सी बच्ची दिखी, पैर पे पैर रख के बस भैया ये चलाती हुई भाग गई। किधर किस साइड था? इन्होंने माना नहीं, फिर इसको भी धक्का देके गई है भाई। भाई मैंने तो पूरी देखी भाई बंदी, डर लग रहा है, छोटी सी स्कूल के कपड़ों में फ्रॉक स्कर्ट। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ गलत आ गए हैं भाई, मैं कह रहा हूँ फैसल भाई छोड़ो, एक मिनट हम सुनो सुनो गाइस, आपको एक्टिंग लग रही होगी पर ये सीरियस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, इस साइड कोई नहीं है, बट हमें जाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात भाई, तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं जा रहा भाई। अब इसको क्या हो रहा है? इसकी तबीयत क्या हो गया वे? ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या ये साला हीट क्यों कर रहा है इतना? थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम, उसके बाद देखते हैं। भाई यार मेरी बात मान, देखा आगे नहीं, देख सुन मेरी बात, थोड़ा सा अंदर जाएंगे, देख हम पिछली बार आए थे, हम पिछली बार वापस गए थे ना, हम शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी देख तूने देखा था भाई, इस बार तो ठीक है, लेकिन इस बार हम छह बंदे कम से कम, तो थोड़ा सा हैंडल करते हैं और थोड़ा अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। आओ भाई भाई, थोड़ी तो हिम्मत दो यार मेरे को, अरे थोड़ी तो हिम्मत दो यार मेरे को, आओ ना, अब आ जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? ओए क्या चीज़ है बहन, पीछे बंद करो, घर चल रहे हैं भाई, घर चल रहे हैं, गाड़ी भाई घर चल रहे हैं भाई भाई भाई। गाइस हम वहाँ से भाग कर आए बड़ी मुश्किल से, आपको मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसी तैसी हो गई थी, मैं कुछ तो दिखाता वहाँ पर, आपने देखा होगा शायद वीडियो में, ठीक है? मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा दूँगा उसको एडिटिंग में, और दिखा देता हूँ उनकी हालत क्या हुई है। ये देखो क्या हुआ भाई, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। तू भी बोल रहा था, मैंने भी बोला था, भाई भी बोल रहा था, तभी आया मैं, देख मैं अकेला तो लेके नहीं आया उन लोगों को, छोटी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं, जगह मैं दोबारा नहीं आऊँगा तेरे साथ कभी। चल कोई नहीं, मैं दोबारा ऐसे ब्लॉग शूट ही नहीं करूँगा भाई, सारे दिन में ब्लॉग शूट करूँगा मैं, ठीक है? भाई को पहली बार लेके आया था, थोड़ा गलत हुआ भाई के साथ, बहुत खतरनाक जगह है,
कोई नहीं भाई, लेकिन अब हम सीधा घर निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ी लाइट थी इसलिए हम इधर आकर रुके हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बाइक लाने भी मुश्किल हो गई थी, हम पैदल भागे थे, फिर आधे घंटे बाद बाइक लेने गए थे, हमारे साथ बहुत गंदा सीन हुआ। गाइस तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आप लोग कभी नाइट में मत आना इधर भूली भटियारी महल, ये क्योंकि ये वैसी हॉन्टेड प्लेस था, तो हमने आकर रिस्क लिया यहाँ पर। कोई नहीं, हम सेफ हैं अभी। अब जब यहाँ पर कुछ लोग भी अंदर इस घर में, तो इसलिए हम यहाँ रुक रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे हैं शेर आ रहे हैं, शेर है, शेर तो शेर ही रहे, बात तो सही है भाई। चल भाई, चलो भाई। गाइस तो अब हम आ चुके हैं एक ढाबे पे, ये रहा छोटा सा ढाबा। ये सूरज भाई इधर खाना खा रहे हैं, डर गए थे बहुत ज्यादा, और ये भाई भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। इनको खाना खिला रहा हूँ मैं इन्हीं के पैसों से, तो इसके बाद मैं निकलूंगा घर और मैं इस ब्लॉग को इधर ही खत्म करता हूँ। और आप लोगों को थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट कर दो और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं, ठीक है भाई, पराठे खाने तो खा लो।